Hello friends, subscribe to my channel and also press the bell icon so you will never miss out my any upcoming videos. Hello friends and welcome back to my channel Cotton Stitching Styles. आज हम सीखेंगे योग डिज़ाइन पर बोट नेक कैसे बनाते हैं. आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बोट नेक बनाना बताऊंगी. इस तरीके से आप अपने किसी भी सूट में, गाउन में या लेडीज़ कुर्ती में इस तरीके से आप गला बना सकती हैं. बहुत ही ईजी तरीका है. इसको हम रेप पट्टी यानी आड़ी पट्टी से बनाएंगे. उसके लिए मैंने ये पहले से ही आड़ी पट्टी कटिंग कर ली है इस तरीके से. अब हम अपने सूट पर सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे. सबसे पहले आपको अपने गले की कटिंग कर लेनी है. सबसे पहले इसको बीच में से फोल्ड कर लीजिए. ये हिस्सा आपका एकदम बराबर होना चाहिए. और इस तरीके से निशान लगाइए. यहाँ पर आपको 4 इंच डाउन रखना है ये गला. आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं. नॉर्मली हम बोट गला अगर बना रहे हैं तो हम 4 इंच या 5 इंच डाउन रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. तो हम यहाँ पर 4 इंच डाउन रख रहे हैं. अब इन लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे. अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे. हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली. इसी तरीके से हम बैक नेक की कटिंग करेंगे. इसको भी आपको बीच में से इसी तरीके से फोल्ड करना है. और पीछे का गला आपको 3 इंच पर रखना है. अब बैक नेक पर आपको एक काम और करना है. यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको बीच में से फोल्ड करके रखना है और बीच में एक लंबा कट लगाना है जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा आपकी कुर्ती को. इस तरीके से आप अगर अपनी कुर्ती बना रहे हैं तो ये कट ज़रूर लगाएं और इसको और अच्छा करके आप बना सकते हैं. इसके बीच में हम यहाँ पर कट लगाएंगे. यहाँ पर हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर करीब 2 इंच या 3 इंच का आप कट लगा सकते हैं. ये इस तरीके से हमने कट लगा दिया है. ये बिल्कुल आपके सेंटर में होना चाहिए. अब आपको ये उरेप पट्टी लेनी है और इसको आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है. इस तरीके से फोल्ड करना है पहले और देन एक बार इस तरीके से. और आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है. ध्यान रहे कि यहाँ पे आपका कपड़ा इस तरीके से बचा रहे. जहाँ पे हम इसको रखकर सिलाई लगाएंगे अपने गले पर, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फोल्ड करके एक बार इस तरीके से, देन सेकेंड टाइम. और इसको रोकने के लिए यहाँ पर आपको सिलाई, तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से पूरी पट्टी रेडी करने के बाद आपको अपने सूट का कंधी जोड़नी है. सिंपली आपको इस तरीके से रखना है कपड़ा और फ्रंट पार्ट इसके ऊपर, मतलब दोनों सीधे साइड हमारे एक तरफ होने चाहिए. और ये सिंपली आपको इसके कंधे स्टिच कर देने हैं. यहाँ पर आपको सिलाई लगाकर, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधी सिलाई लगाकर यहाँ पर सिलाई लगानी, इसको जोड़ना है. अब आपको ये आड़ी पट्टी अपने नेक पर लगाना है. इस तरीके से सब खोलिए. ये उरेप पट्टी आपको अपने गले के बैक साइड से रखनी है. इस तरीके से रखना है और ये सूट आपका सीधी तरफ रहना चाहिए और इसको इस तरीके से आपको रखना है. हम गले पीछे वाले गले से इस तरीके से रख रहे हैं और इसको इस तरीके से हम पूरा स्टिच कर लेंगे आगे वाले गले तक. इस तरीके से पूरा पीछे तक ले आएंगे, यहाँ तक, इस कट तक. आपको कट नहीं सिलना अभी, आपको सिर्फ यहाँ तक सिलना है. सिंपली हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे.
फ्रेंड्स, इस तरीके से उरेब पट्टी अपने गले पर लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये आपको ऊपर करना है पहले, फिर इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है ताकि ये अंदर की तरफ बैठ जाए अच्छे से। तो ये इस तरीके से आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपने पूरे गले की सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और आप चाहें तो इस सिलाई के नीचे एक सिलाई और लगा सकते हैं, उससे इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम इस कट पे भी ये कपड़ा लगाएंगे, उरेब पट्टी लगाएंगे। बस यहाँ पे आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है, थोड़ा सा आपको फोल्ड करना है ऊपर से और इसको सीधी साइड ही आपको रखना है इस तरीके से रखकर एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी वैसे ही हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है, पूरी घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पर और फिर यहाँ पर भी आकर इस तरीके से मोड़ देना है ताकि ये एक जैसा रहे और जब हम इसे फोल्ड करें अंदर की तरफ तो इसमें फिनिशिंग आए। तो अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको पूरा जोड़ लेना है, आपने जो कट लगाया था इस तरीके से आएगा ये। अब इसमें आपको छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसको भी अंदर की तरफ वैसे ही फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा बोट नेक बनकर तैयार है, वो भी बिना बुकरम के। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस लगा सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर कोई मोती लगा सकते हैं। और आप अभी यहाँ पर एक बटन लगाएंगे इस तरीके से और आप चाहें तो हुक लगा लें इसको रोकने के लिए और ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ माई स्टाइलिश बोट नेक विद योक डिज़ाइन। ये हमारे सूट का कम्प्लीट लुक है और इसके साथ मैंने ये इस तरीके की लेस लगाई है जो कि हमारे पैटर्न से बिल्कुल मैच करती है। और इसके नेक पर इस तरीके से मैंने ये मोती वाली लेस लगाई है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है हमारे बोट नेक को। और इसके बैक साइड पर हमने कुछ इस तरीके से जो कट लगाया था उस पर हमने इस तरीके से एक बटन लगाई है और इसको अटैच करने के लिए एक हुक लगाया है जिससे कि ये बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है और बहुत ही ट्रेंडी लगता है, अच्छा लगता है। ये कट भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर और पैटर्न्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोज़, ऐसे ही स्टाइलिश नेक्स के लिए, नेक देखने के लिए और सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, खुदा हाफ।